Hey everyone, welcome back to my channel Sonika Mohit Sharma. I hope you all are doing great. So guys, आप लोगों में से किस किस के हेयर जो है वो सर से ज्यादा कंघी में, घर में और बाथरूम में दिखाई देते हैं, और किस किस के घर वाले इस चीज से परेशान आ चुके हैं. ऊपर से जब हम लोग शैम्पू और कंडीशनर करते हैं तो ये हेयर फॉल और ज्यादा होता है. तो मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ. मेरा भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था, बट जब से मैंने ये DIY वाला हेयर ऑयल यूज किया है तब से मेरा हेयर फॉल एक हद तक कम हो चुका है. मैं इतनी ज्यादा परेशान, इतनी इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि मैं जब सफाइयां करती थी तो हर जगह मुझे बाल ही बाल दिखाई देते थे अपने. मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी. ऊपर से मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड मुझसे परेशान रहते थे कि यार सोनी क्या है, हर जगह तुम्हारे बाल ही मिलते हैं. तो मैंने कहा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा. तो मैंने ये ऑयल यूज किया और मुझे धीरे धीरे, एकदम से नहीं कम होगा, मतलब मैं ऐसे करती थी तो मेरे बाल बहुत सारे हाथ में आते थे, और ऊपर से कंघी करती थी तो बहुत निकलते थे. वो तो निकलते ही थे, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती थी उस दिन तो बहुत ज्यादा बाल टूटते थे. तो मैंने सोचा मैं कुछ करूंगी. फिर मैंने ये वाला ऑयल यूज किया, एकदम आपको असर नहीं दिखेगा. आप 15 दिन 20 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी DIY वाले हेयर ऑयल को शेयर करने वाली हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है. सो गाइज, धीरे धीरे आपका हेयर फॉल जो है इससे बिल्कुल कम हो जाएगा और सारा झंझट खत्म हो जाएगा. जब हेयर फॉल ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके हेयर जो है वो लेंथी लगेंगे, घने लगेंगे और हेल्दी भी रहेंगे. इस DIY वाले ऑयल में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है करी लीव्स, यानी कि करी पत्ता. बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल होता है. नहीं भी मिले तो आप लोग मार्केट से ले लेना, बहुत ही कम रुपए में बहुत सारा मिल जाता है. तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा बातें करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. करी लीव्स में विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्कैल्प को भरपूर पोषण देते हैं, जो कि बालों को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसमें कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस होता है जो कि बालों को झड़ने से रोकते हैं. हमने इसकी सारी लीव्स जो हैं वो अलग कर ली हैं. अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएं, और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ ऐसा पाउडरी सा बन जाएगा. इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे. अब हम ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल. याद रहे कि आपको कोकोनट ऑयल ही लेना है और कोई सा ऑयल मत लेना, क्योंकि कोकोनट ऑयल करी लीव्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. आप अपने हिसाब से ऑयल ले लीजिए. मैं कुछ इतना ही बनाऊंगी क्योंकि अभी पहले ये यूज़ कर लूँ, उसके बाद और बना लूँगी. तो मैंने इतना ऑयल लिया है. इसको मैं हल्की फ्लेम पे इसको गरम कर लूँगी, फिर इसमें जो करी लीव्स हैं वो डाल दूँगी. अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है या हेयर ग्रोथ रुकी हुई है तो इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए. ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है. तो मैंने तो डाल दी है क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और हेयर फॉल तो हो ही रहा है. उसके बाद इसको चलाएंगे थोड़ी देर तक, इसको ऐसे ही पकाएंगे, और ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा ग्रीन सा हो जाएगा. तो ये हो चुका है. अब इसको हम फ्लेम को बंद करके इसको नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. ठंडा होने के बाद आपको क्या करना है, एक छलनी लेनी है और उसमें इस ऑयल को छान लेना है. और ये देखिए कितना अच्छा ऑयल बन के तैयार हो चुका है. अब ये ठंडा हो चुका है, आप कोई भी शीशी ले लीजिए, कोई भी बॉटल ले लीजिए, उसमें आप इसको भर लीजिए. मेरे पास प्लास्टिक की एक बॉटल खाली पड़ी थी तो मैंने सोचा कि उसी में भर लेती हूँ, करना क्या है. साफ बॉटल थी, बिल्कुल नई, तो मैंने इसमें भर लिया है इसको. बहुत ही पावरफुल ऑयल है ये, हेयर फॉल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. आप इसको ट्राई करना, आपको जब फ़र्क लगेगा तब आप बोलना. और ये बॉटल मेरी ऑयल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, मुझे लग रहा था मुझे और ऑयल बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. अब मैं इसको पार्टीशन कर करके अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी. तो मैंने एक बाउल में ऑयल ले लिया है. जब भी आपको हेयर वॉश करना हो उससे एक नाइट पहले इसको लगाकर मालिश कर लीजिए, मसाज टाइप की. और इसको वीक में आप 2 बार यूज़ तो कीजिए ही कीजिए, 2 बार तो कोई भी हेयर वॉश करता होगा. मैंने इसको 2 बार, कभी कभी मेरा 3 बार भी हो जाता है, तो मैं 3 बार भी इसको लगा लेती हूँ वीक में, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. हमने इसमें लहसुन की कलियाँ भी मिलाई हैं जिससे हमारा हेयर फॉल रुकने के साथ साथ हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगा.
बस हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। बस ये ऑयल आपकी जड़ों तक पहुंच जाना चाहिए ताकि आपकी जड़ों को वो नरिशमेंट, वो न्यूट्रिशन मिल जाए जो आपकी जड़ों को मजबूत करे। और फिर देखना 15 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना गाइज, इसको आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। मैंने यूज़ किया है, मुझे फ़र्क दिखा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। बस अच्छे से इस ऑयल को अप्लाई करो और मसाज करो। करी पत्ते में वो गुण है ना बालों को झड़ने से रोकने के लिए, वो किसी में भी नहीं है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट नुस्खा है। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जो इधर उधर बाल गिरते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं, कंघियों में इतने बाल आपके आ जाते हैं, वो आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा इस ऑयल को यूज़ करने के बाद। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये जो मालिश करते हैं ना हम, इतना सुकून मिलता है, बस ऐसा लगता है कोई हमारी ऐसे ही मालिश करता रहे और नींद आ जाए। बस अच्छे से मसाज करो, जैसे हम खाना खाते हैं वो तुरंत जाके हमारी बॉडी को लग जाता है, वैसे ही अगर हम बालों में ऑयल लगाते हैं तो वो तुरंत हमारी जड़ों में चला जाता है और फिर अपने बेनिफिट्स दिखाता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की वो सारी ख़त्म हो जाएगी इस ऑयल को यूज़ करने के बाद। उसके बाद हम एक बन बना लेंगे या फिर आप चोटी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और फिर ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे हम शैम्पू करेंगे और फिर देखना आप कमाल, आपका एक बार में ही आपको लगेगा कि जो बाल ऐसे निकल रहे थे शैम्पू करने के बाद वो नहीं निकलेंगे गाइज। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बेनिफिट्स लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे शेयर जरूर करना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ और एक हद तक या धीरे धीरे आपका हेयर फॉल कम हो रहा है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे सबके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे साथ जरूर शेयर करना और आप लोग बिलीव कीजिए मेरा भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखना गाइज। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक्चुअली क्या है, मैं अभी नई हूँ, नई भी नहीं हूँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग कुछ सजेशन दिया करो कि दीदी इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय।